मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेकर। प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर। मतलब हम लोग हमारे घर में जो हैंड सैनिटाइजर का बोतल है उसमें हम लोग पहले हाथ से दबाते हैं उसके ऊपर नोजल को, उसके बाद वो सैनिटाइजर डिस्पेंस करता है, निकालता है। लेकिन हम लोग अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें हम लोग बिना हाथ लगाए वो बोतल से हैंड सैनिटाइजर का लिक्विड निकल जाए तो कितना अच्छा होगा बताओ। जस्ट हम लोग हाथ सामने लाएंगे हैंड सैनिटाइजर के बोतल के सामने और वो डिस्पेंस करेगा लिक्विड को। तो हम लोग बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए पहले देख लो। उसके लिए चाहिए सबसे पहले ये आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये तुम लोगों को नॉर्मली कोई दुकान में नहीं मिलेगा। हाँ, इधर तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर से मंगवाना पड़ेगा या फिर कोलकाता के चांदनी मार्केट में जाना पड़ेगा ये सेंसर खरीदने के लिए। इसका सिंगल दाम है 99 रुपीज़ है ये सेंसर। इस सेंसर का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दे रहा हूँ। इसके साथ चाहिए एक ट्रांजिस्टर, TIP-32C ट्रांजिस्टर, TMP ट्रांजिस्टर चाहिए, 1 kΩ रेजिस्टर, 1 kΩ का रेजिस्टर चाहिए, एक सबमर्सिबल पाम चाहिए, मिनी सबमर्सिबल पाम, जो हम लोग सैनिटाइजर जो है लिक्विड उसमें डुबो के रखेंगे, और ये ऐसा एक पाइप लग चाहिए जो ये जो मिनी सबमर्सिबल पंप है इसका जो आउटलेट है उसमें हम लोग ये पाइप लगाएंगे। ये मिनी सबमर्सिबल पंप चाहिए, और ऐसा एक सैनिटाइजर लिक्विड जहाँ रखेंगे ऐसा एक बोतल चाहिए जहाँ हम लोग बनाएंगे। तो हमारे और एक चीज, एक पावर सप्लाई चाहिए। ये तो तुम लोग अच्छे से जानते हो फोन का चार्जर है, तो सिर्फ मैं चार्जर का जो एक एंड है जहाँ फोन पे लगता है उसको मैं काट के सिर्फ रेड एंड वाइट और रेड एंड ब्लैक जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर को निकल के रखा हूँ। ये 5 वोल्ट का पावर सप्लाई भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है सर्किट क्या है, सर्किट कैसे काम करता है, कैसे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर जो है काम करता है। इसलिए सर्किट समझना बहुत जरूरी होता है, तो सर्किट हम लोग समझते हैं। देख सकते हो ये आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब जब हम लोग इस सेंसर के सामने कुछ लाएंगे, जैसा हमारे हाथ लाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो सेंस करेगा कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, चाहे वो हाथ हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, और वो सेंस करके एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद वो सिग्नल इस आउटपुट पिन से भेज सकता है, इस आउटपुट पिन से बाहर भेजेगा। तो तब हम लोग दूसरे कोई स्विच या दूसरे कोई डिवाइस को काम में ला सकते हैं। तो पहले वो सेंस क्यों करेगा ये जानते हैं। देखो सामने ये जो है ये एक सादा LED है, वाइट LED, एंड इसमें ये जो है एक ब्लैक LED। ये जो वाइट LED है, इस वाइट LED को बोलते हैं आयर ट्रांसमीटर डायोड, IR LED, इंफ्रारेड LED। ये इंफ्रारेड प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है। जब इंफ्रारेड जाके किसी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्टेड बैक होके इस ब्लैक LED में आएगा, ब्लैक LED इज कॉल्ड फोटो डायोड। तो ये ब्लैक LED जो है वो कोई भी रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड जो है उसको सेंस करेगा। करने के बाद ये IC जो है IC को सिग्नल देगा, IC तब एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद इस आउटपुट पिन में सिग्नल भेजेगा कि ये सेंसर एक्टिव हो गया है। मतलब ये फोटो डायोड सेंस करता है जब ये IR LED कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और करने के बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट हाथ लाते हैं इधर 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर, तो ये
जो आया एलईडी से इंफ्रारेड गैस भी छोड़ रहा था उसको हम लोग बाधा दे रहे हैं। तो हाथ से मान लो हाथ लाए इधर, और हाथ लाने के बाद इससे रिफ्लेक्टेड बैक एक रे जाके फोटोडायोड के ऊपर पड़ता है। फोटोडायोड के ऊपर जब पड़ता है फोटोडायोड सेंस करता है कि इंफ्रारेड का इंफ्रारेड जो सादा एलईडी छोड़ रहा था ये रिफ्लेक्टेड बैक होके आया, तभी ये फोटोडायोड सेंस करके आईसी को सिग्नल भेजता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। सेंसर के ऊपर देखना एक स्क्रू है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। घुमा के ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसका रेंज कितने देर दूर से सेंस करेगा वो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, अपने जरूरत के हिसाब से उस स्क्रू को यूज़ करना, नहीं तो एकदम हाथ ही मत लगाना अगर सब ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ एन आयर सेंसर वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, ये कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द फॉलोइंग फिगर। एन आयर सेंसर इंफ्रारेड सेंसर कंसिस्ट ऑफ एन आयर एलईडी एंड आयर फोटोडायोड। दिस इज एन आयर एलईडी, आयर ट्रांसमीटर एंड दिस इज एन आयर फोटोडायोड। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ए फोटो कपलर, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ए फोटो कपलर और ऑप्टो कपलर। इसके बाद हम लोग और भी देखेंगे। देख सकते हो व्हेन आयर ट्रांसमीटर इमिट्स रेडिएशन, ये आयर ट्रांसमीटर एक रेडिएशन को इमिट कर रहा है, इधर रेडिएशन को इमिट कर रहा है करके एक ऑब्जेक्ट में गिर रहा है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड बैक होके आयर रिसीवर में आ रहा है। ये आयर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द आयर सिग्नल एंड इट ट्रेवल थ्रू एयर एंड व्हेन इट इज स्टक बाय एनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आयर रिसीवर रिसीव इट्स द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी सर्फेस। व्हेन द आयर ट्रांसमीटर इमिट्स रेडिएशन इट रीचेज द ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू द आयर रिसीवर। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रिसेप्शन बाय द आयर रिसीवर द आउटपुट ऑफ द सेंसर इज डिफाइंड। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को समझेंगे। तो सर्किट को निकालते हैं। तो ये है सर्किट हम लोगों का, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर जो ऑटोमेटिक होगा, ये है हमारे सर्किट। तो सर्किट को समझते हैं। ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, सेंसर का एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देख सकते हो, एक्चुअली सेंसर का तीन पिन है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो पिन है वो है आउटपुट पिन, पहला वाला लेफ्ट वाला पिन वो है आउटपुट पिन। सेकंड वाला जो पिन है वो ग्राउंड पिन, मीन्स बैटरी के नेगेटिव के साथ हमेशा कनेक्ट होगा। और थर्ड नंबर पिन जो है वो है पावर सप्लाई, हम लोग को उसमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा, VCC वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा। तो पहला जो पिन है, जब आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये सेंसर सेंस करेगा, करने के बाद सिग्नल को प्रोसेस करके आईसी प्रोसेस करता है, ये जो आईसी है प्रोसेस करके इधर पहला पिन में आउटपुट जो है उधर पहला पिन से सिग्नल को आउट करता है। तो उसमें हम लोग ये जो देखो ग्रीन वायर कनेक्ट है, ग्रीन वायर कनेक्ट करके 1K हम रेजिस्टेंस लगा दिए, रजिस्टर को रजिस्ट करेगा सिग्नल को, ताकि ट्रांजिस्टर के बेस में जब सिग्नल आ रहा है ट्रांजिस्टर के बेस, देखो ट्रांजिस्टर का पहला पिन इधर, ये एक TIP32C PNP ट्रांजिस्टर है। तो पहला पिन जो है बेस, सेकेंड पिन है कलेक्टर, कलेक्टर एंड थर्ड पिन है इमीटर। तो फर्स्ट पिन जो बेस है उसमें ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आउटपुट जो पिन है वो हम लोग जोड़ेंगे 1 kΩ रजिस्टर के साथ। सिग्नल ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस में सिग्नल आ गया, आने से सिग्नल को सेंस किया, ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए स्विच ऑनली। तो जैसे ही वो सिग्नल आया वो स्विच कर दिया कलेक्टर, कलेक्टर से आउटपुट दे रहा है कलेक्टर पिन से कि अभी तुम ऑन हो सकते हो। तभी हम लोग कलेक्टर पिन के साथ एक रेड वायर से मोटर का पॉजिटिव वायर जोड़ दिए, मोटर का पॉजिटिव वायर जोड़ दिए, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सिग्नल दे रहा है मोटर को तुम अभी ऑन हो सकते हो। अच्छा, अब ये जो सेकेंड पिन है, सेकेंड पिन
जो मैंने बोला था ब्राउन, उसको क्या करेंगे, एक ब्लैक वेयर जोड़ेंगे। यार ब्लैक वेयर में ये जो हम लोग देख रहे हैं यूएसबी केबल का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यूएसबी केबल में तो फोर कलर का वेयर रहता है यूएसबी केबल में, तो उसमें हम लोग रेड वेयर एंड ब्लैक वेयर ही लेंगे, रेड वेयर और वाइट वेयर और ब्लैक वेयर। बाकी जो कलर का जो वेयर होता है वो डाटा के लिए है, हम लोग डाटा इधर यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ पावर सप्लाई। तो हम लोग सिर्फ दो तार लेंगे, मतलब बाकी दो तार काट देंगे यूएसबी केबल में, जो अगर हम लोग यूएसबी केबल का तार इंसुलेशन हटाते हैं तो चार तार मिलेगा, उसमें से रेड एंड वाइट को ही लेना है क्योंकि वही पावर सप्लाई के है, बाकी दो डाटा माइनस डाटा प्लस के लिए है। तो यूएसबी केबल का जो माइनस वाला तार है नेगेटिव तार, उसके साथ मोटर का भी नेगेटिव तार जुड़ेंगे, और ये जो आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका भी नेगेटिव पिन मतलब ग्राउंड पिन सेकेंड पिन को जोड़ देंगे। हो गया, अभी बाकी आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का तीन नंबर पिन और ट्रांजिस्टर का भी तीन नंबर पिन, एमिटर पिन। तो इसी एमिटर पिन के साथ एक लाल तार जोड़ेंगे और प्रॉक्सिमिटी सेंटर के सेंसर के साथ क्या करेंगे, ये जो तीन नंबर पिन जो सप्लाई देंगे पावर सप्लाई और रेड वायर जो है लगाएंगे, दोनों को जोड़ के यूएसबी केबल का जो पॉजिटिव है उसके साथ जोड़ देंगे, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इधर कोई ऑब्जेक्ट हाथ ला रहे हैं तो ये जो एलईडी, ये सादा एलईडी जो लाइट छोड़ रहा था, तो वो रिफ्लेक्टेड होके एक काला एलईडी में आएगा। ये हमें मान लो इधर हाथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आईआर एलईडी इंफ्रारेड एलईडी के से जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल वो इधर जाएगा, हाथ है, हाथ से रिफ्लेक्टेड बैक होके ब्लैक एलईडी के ऊपर आएगा, ब्लैक एलईडी सेंसेस कर सेंस करके सिग्नल को भेजेगा आईसी में, आईसी प्रोसेस करके एक नंबर पिन को देगा, ऐसे होता है। जैसे ही दिया तो रजिस्टर के थ्रू ये बेस पिन में गया, बेस पिन में जाके ट्रांजिस्टर समझ गया कि सिग्नल आ गया, अभी कलेक्टर को स्विच किया, मतलब स्विच ऑन करके कलेक्टर को दिया, जैसे कलेक्टर को दिया ये मोटर ऑन हो गया, मोटर ऑन होने से मोटर के जो आउटलेट है इधर से जो भी लिक्विड में हम लोग डुबो के रखेंगे मोटर को, चाहे वो वाटर हो डिस्पेंसर, वो उसको डिस्पेंस करेगा निकलेगा। ये है इस सर्किट का फंडामेंटल थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉच। तो तुम लोग तो सर्किट समझ लिए, तो सर्किट समझने के बाद अभी हम लोग प्रोजेक्ट को बनाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो है ये तो सबमर्सिबल पंप जो है ये ऐसे रहेगा अंदर, और अंदर रहने के बाद ये पाइप और तार हम लोगों को इस जो लीड है ढक्कन है इससे बाहर निकलेगा, तो ढक्कन में हम लोगों को होल करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कितना होल करेंगे, तो एक पेन लेते हैं, पेन लेके मार्किंग कर लेते हैं। एक पाइप के लिए बड़ा होल और एक छोटा होल तार निकलने के लिए, तो हम लोग करते हैं। लोग देख सकते हैं मैंने होल कर लिया, होल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल किया, सोल्डरिंग आयरन के यूज़ करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो ऐसे अंदर से दोनों चीज मैंने निकाल लिया।
लोग को इसको टाइट करें, ऐसे करना है, ऐसे तार को मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया ताकि हम लोग इसको जैसे हम लोगों को एडजस्ट करना है इस पाइप का आउटलेट को, मुंह को हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। ऐसे करेंगे या फिर ऊपर करेंगे, ऊपर भी कर सकते हैं, हाँ, तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, इसलिए पाइप लगा लेंगे। देखो इसको कहीं पर भी कैसे भी मोड़ सकते हो। तो हो गया है, अभी हम लोग को सर्किट बनाना है, तो इसको पहले फिक्स करते हैं। हम लोग फिक्स करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, हम लोग लगाते हैं। तार को भी हम लोग इधर सील कर दिए। इस पाइप को सील हम लोग बाद में करेंगे। तो इसके बाद इसको करना है, इसके आगे हम लोग सोल्डरिंग आयरन से तार जोड़ेंगे, देखते हैं। देख रहे हो कि ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, सेंसर का जो पहला पिन नंबर वन पिन आउट पिन, इसका जो आउटपुट है वो मैं एक रेजिस्टेंस का एक लेग लगा दिया, और दूसरा लेग मैं ट्रांजिस्टर का पहला पिन जहां जो बेस है उसमें लगा रहा हूं। दिक्कत आ रही है, लग गया। अभी ये जो पाम का रेड वाला वायर है, मतलब पॉजिटिव है पाम का, वो ट्रांजिस्टर का सेकेंड पिन मतलब कलेक्टर पिन में लगा हुआ है। हो गया, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो ग्राउंड पिन है और पावर सप्लाई पिन है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई। पहला पिन तो आउटपुट था, ये जो बीच वाला जो है ये नेगेटिव है, और फर्स्ट थर्ड वाला जो है पॉजिटिव है। तो वो हम लोग ले लेंगे दो तार। तो ये जो है हम लोग ट्रांजिस्टर के नेगेटिव में लगाएंगे, मतलब ट्रांजिस्टर के इमीटर में लगाएंगे। तो इसको ग्लू गन से चिपका देंगे। ताकि कहीं पे शॉर्ट ना हो जाए। सारे सर्किट कंप्लीट है, तो अभी सैनिटाइजर डालेंगे। सर
सैनिटाइजर देख रहे हो डाल दिए। हम लोग बाद में ज़्यादा डालेंगे, अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे। देख रहे हो जितना ज्यादा और डूब के रहेगा उतना ही अच्छा आएगा, बहुत कम लिया था। देख रहे हो तो पूरा सैनिटाइजर मैं पूरा बहुत ऊपर तक भर लिया ताकि पाम अच्छे से डूबे रहे। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। जैसे ही मैं हाथ ला रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सामने आएगा, कोई आया ट्रांसमीटर के सामने, वो सेंस करके लिक्विड को डिस्पेंस करेगा। मैंने एक काम भी किया था, पेन के सामने वाला रिफिल जो लगा रहता है, पेन के सामने वाला जो मुँह है, मुँह को खोल के ओपनर को खोल के उस पाइप के सामने लगा दिया ताकि सैनिटाइजर जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा एक्सपेंस ना हो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना।